Good morning students and welcome. Today we are going to start a new lesson. Lesson number 1.7 Paramveer Chakra. Our heroes. Okay. Let's see what it is. You may have heard about the legendary heroes of the past and their extraordinary acts of bravery. But even today many brave soldiers of our country sacrifice their own life for our safety. Their brave deeds and are honored by the bestowing military decorations on them. Paramveer Chakra is the India's highest military decorations. It is awarded for the most conspicuous bravery or some daring or preeminent act of valor or self-sacrifice. In the presence of the enemy, whether on land, at sea, or in the air. The Paramveer Chakra is very rare honor. So far it has been awarded only 21 times. 14 of these awards were given posthumously. Okay. So what is saying Paramveer Chakra? There are many legendary heroes of the past and their extraordinary acts of bravery. मतलब ऐसे legendary heroes हैं जिनको अभी भी नाम याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए कि कोई इंसान उसको भूल नहीं सकता. They are the legendary heroes of the past and their extraordinary acts of bravery. उनका जो bravery थी वो बहुत ही extraordinary. मतलब ऐसे हम इंसान नहीं कर सकते ऐसे उनकी ये थी कुशल थी वो ऐसे ब्रेव लोग व्यक्ति थे. बट इवन टुडे मेनी ब्रेव सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री सेक्रीफाइस देयर ओन लाइफ फॉर आवर सेफ्टी. बट स्टिल अगेन नाउडेज ऑल्सो ऐसे बहुत सारे सैनिक हैं जो ऐसे बॉर्डर लाइन्स में होते अपने सिक्योरिटी के लिए जो होते हैं वो अपने देश के लोगों के लिए अपनी जान निछावर करते. अभी भी ऐसे लोग हैं. पहले तो देश के टाइम को जब ब्रिटिश थे तभी भी काफ़ी सारे ऐसे सेनानी थे हीरोज थे जो अपने देश के लिए बलिदान दिए. अभी भी लोग ऐसे हैं ऐसे सोल्जर्स हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए देश की आम जनता के लिए अपनी जान न्यौछावर की है. ओके देयर ब्रेव डीड्स आर ऑनर्ड बाय द बिस्टाविंग मिलिट्री डेकोरेशन ऑफ देम. ओके ऐसे ब्रेव लोगों को हमने अवार्ड किया है मिलिट्री डेकोरेशन दिया गया है. दैट इज कॉल्ड परमवीर चक्र. बेस्टोइंग का मतलब गिविंग समथिंग टू समबडी टू शो हाउ मच दे आर रिस्पेक्टेड. मतलब जैसे हम दिखाना चाहते ऐसे कुछ उपहार देके ऐसे ये देखे हम उनको ये सम्मान करते कि ये जानने के लिए कि हम कितने उनके रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही रिस्पेक्ट देने वाले इंसान है जो अपनी जान की परवाह नहीं किए और दूसरों के लिए अपने जान दिए हैं. ऐसे लोग बहुत ही पूजनीय है होते हैं. ओके परमवीर चक्र इज द इंडियस हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन. अभी परमवीर चक्र जो है मिलिट्री में दिए जाए आर्मी मिलिट्री में जो है उसमें सबसे बड़ा रैंक में ये पदवी दिया जाता है. इट इज अवॉर्डेड फॉर द मोस्ट ऑफ द कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी ऑफ सम डेयरिंग ऑफ a preeminent act of the valor of the self-sacrifice in the presence of the enemy. यानी enemy के सामने जो हमने अपना जो act है daring act वगैरह होता है ऐसे लोगों को ये सब ये परमवीर चक्र दिया जाता है जो बहुत ही outstanding होते. preeminent का मतलब है outstanding act of the valor or the self-sacrifice यानी आत्मसमर्पण करना आत्मा मतलब अपने आप को ये करना नेचर करना सेल्फ सेक्रीफाइस करना अपने जान की परवाह ना करते हुए अपनी सेक्रीफाइस जान की सेक्रीफाइस करने को हम सेल्फ सेक्रीफाइस करते इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी. जो भी एनिमी वगैरह सामने हो उनके सामने उनसे ना डरते हुए अपनी जान की परवाह ना करते हुए किसी और की जान की सुरक्षा के लिए जब हम अपनी जान नेचर करते दैट इज व्हाट सेल्फ सेक्रीफाइस इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी. वेदर ऑन लैंड एट सी और इन हैर. मतलब भले ही वो आर्मी में हो नेवी में हो या एयरफोर्स में ऐसे जब दूसरे देशों के सैनिक से लड़ते हुए जो लोगों ने जान दी ऐसे लोगों का इससे सम्मान दिया उन लोगों को ऐसे सम्मान दिए जाते दैट इज परमवीर चक्र.
बहुत बहुत बड़ा हौदा है, ये पदवी है एक सैनिक के लिए। तो परमवीर चक्र से वीर है होना, देखो ये परमवीर चक्र से वीर है होना मतलब हर एक को, हर एक सैनिक को नहीं दिया जाता, इसे वीर है दिया जाता है ऐसे ये पदवी। सो फार इट हैज़ बीन अवॉर्डेड ओनली 21 टाइम्स, सिर्फ 21 बार ही लोगों, यानी 21 बार मतलब 21 लोगों को ही अभी तक दिया गया है। 14 ऑफ दिस आर द पोस्ट मॉर्टमली मतलब मरने के बाद, ओके पोस्ट मॉर्टमली मतलब मरने के बाद, मतलब कुछ लोगों को, कुछ ऐसे थे जो जिंदा रहते हुए ये पदवी हासिल किए, पर काफ़ी मतलब 14 लोग ऐसे हैं जिनका परिवार जिनको दिया गया था क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये क्या है, 21 लोगों को दिया गया था उसमें से 14 है जिनकी मृत्यु के बाद, देहांत के बाद उनके घर वालों को उनके याद में दिया गया था ये मेडल। ओके नाउ सी द रियलिटी, इनकी परमवीर चक्र के पीछे एक कहानी है, लेट्स सी व्हाट इट इज। द मेडल इटसेल्फ इज ए वेरी सिंपल इन अपीयरेंस, सी द मेडल, ये परमवीर चक्र इस तरह दिखाई देता है, यू कैन सी हियर। द मेडल इटसेल्फ इज ए वेरी सिंपल इन अपीयरेंस, इट इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ये जो मेडल बना हुआ है दैट इज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज एंड इज फिटेड विद द स्वेल्स माउंटिंग एंड एज ए प्लेन पर्पल रिबन, जो रिबन है वो पर्पल है और जो उसके ऊपर है इट इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड इट इज फिटेड विद द स्वेल माउंटिंग। ओके यहाँ पे ना एक ऐसा, यू कैन सी द पिक्चर, जब आप उसको छूते हो तो आपको महसूस हो सकता है उसे एकदम प्लेन सरफेस नहीं है, कॉइन्स में कैसे ये होता है वैसे ऐसा ये है इसमें, देखिए यू कैन फील इट व्हेन यू इफ यू टच दैट ब्रॉन्ज मेडल, तो प्लेन नहीं होता है, इट्स अ माउंटिंग मतलब उसके ऊपर कुछ तो ये किया हुआ है, दैट यू कैन सी ओवर हियर। एंड एज ए प्लेन पर्पल रिबन ऑन द ऑब्जर्व इट एज द इंडियन नेशनल एम्बलम, मतलब उसके दूसरी तरफ क्या है, एक तरफ ये है परमवीर चक्र और दूसरी तरफ है इंडियन नेशनल एम्बलम करके, जो एट द सेंटर जो आपको नोटों में वगैरह दिखाई देते हैं शेर का, ये जो ये रहते हैं यू कैन सी ओवर दैट इन द रिवर्स पार्ट ऑफ द मेडल। सराउंडेड बाय द फोर रेप्लिकास ऑफ इंद्रास वज्र, इट हैज़ बीन इन इट हैज सॉरी ऑन द ऑब्जर्व इट हैज द इंडियन नेशनल एम्बलम एट द सेंटर सराउंडेड बाय द फोर रेप्लिकास ऑफ द इंद्रास वज्र, दैट इज फोर रेप्लिकास ऑफ द इंद्रास वज्र, सी यू कैन सी ओवर हियर एम्बलम, ये है इंद्र का वज्र का ये। ओके द अंडरस्टूड यूर, ए ब्रॉन्ज मेडल से बना, ब्रॉन्ज है दिस द मेडल इज ब्रॉन्ज, द पर्पल रिबन, स्वेल माउंटिंग मतलब उसको छूने से आपको महसूस होगा इसमें नक्शा वगैरह बना हुआ है, इन द मिडल यू विल फाइंड द इंडियन नेशनल एम्बलम, देन ये इन द ऑल द अदर साइड यू कैन फाइंड द रेप्लिकास ऑफ द इंडियस वज्रस, रेप्लिका मतलब एग्जैक्ट कॉपी, डुप्लीकेट हम बोलते हैं ना, इसके इंद्र वज्र के एग्जैक्ट कॉपी उसने यहाँ पे बनाया गया है। ऑन द रिवर्स द वर्ड्स परमवीर चक्र आर एंग्रेव्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश विथ टू लोटस फ्लावर्स इन बिटवीन, ऑन द रिवर्स मतलब दूसरी तरफ, ओके ऑन द रिवर्स द वर्ड्स परम वीर चक्र आर एंग्रेव्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश विथ टू लोटस फ्लावर्स इन द बिटवीन, मतलब पीछे की जो रिवर्स साइड में है उसमें परमवीर चक्र लिखा गया है हिंदी और इंग्लिश में विथ टू लोटस फ्लावर्स बिहाइंड इन बिटवीन, ओके दो लोटस फ्लावर्स है इन बिटवीन। द परमवीर चक्र मेडल वॉज डिजाइन बाय सावित्री बाई खानोलकर, सी द परमवीर चक्र, दिस परमवीर चक्र इज डिजाइन बाय सावित्री बाई खानोलकर, शी वॉज ए यूरोपियन लेडी हु मैरिड विक्रम खानोलकर एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, ओके सावित्री बाई खानोलकर हैज डिजाइन दिस परमवीर चक्र, शी मैरिड टू अ विक्रम खानोलकर हु वॉज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, सावित्री बाई लव्ड इंडिया एंड टुक इंडियन सिटीजनशिप, शी लव्ड इंडिया शी टुक द इंडियन सिटीजनशिप, ओके मतलब वो बाहर के देश की लेडी है
पर उसको इंडिया से इतना लगाव हो गया, उन्होंने इंडिया के एक आर्मी ऑफिसर से उन्होंने शादी की और वो यहीं पे सेटल डाउन हो गए, सिटीजनशिप उनको वहाँ यहाँ का मिल गया। शी स्पोक मराठी संस्कृत हिंदी फ्लुएंटली एंड हैड स्टडीड इंडियन आर्ट्स एंड ट्रेडिशन इन डेप्थ। उनको मराठी संस्कृत और हिंदी भाषा बहुत अच्छी तरह से आती थी एंड शी स्टडीड द इंडियन आर्ट्स। इंडियन आर्ट्स के बारे में उनको काफ़ी सारी जानकारी थी क्योंकि वो पढ़ती थी उस बारे में, और ट्रेडिशन के बारे में भी काफ़ी जानकारी इन डेप्थ वो जानती थी। इंद्रा स्वज्र और द थंडर बोल्ट इज सपोज टू बी द मैचलेस वेपन। मतलब इंद्रा स्वज्र या थंडर बोल्ट जिसको कहा जाता है, इसे मैचलेस वेपन्स मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका जैसे कोई और वेपन नहीं है। बट वॉट मेक्स द वेपन इनविंसिबल इज द सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ द सेज दादा दादी चीफ। ओके, तो उनका मतलब व्हाई इट इज इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब अनडिफीटेड। ओके, उसको कोई मैच नहीं, उसको कोई बीट आगा नहीं सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल टू डिफीट, इनविंसिबल मतलब। बट वॉट मेक्स अ वेपन इनविंसिबल, एक ऐसी क्या बात है जो इस वेपन को इनविंसिबल कहा गया। इट इज़ अ सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ द सेज दादी चीफ। ओके, तो एक सेक्रीफाइस है, एक सेज का, एक संत का वी कैन से, जो ऋषि हम बोलते हैं सेज को, सेज को हम लोग बोलते हैं ऋषि। तो एक ऋषि दादी चीफ करके नाम के थे, उनका बलिदान की वजह से इसको काफ़ी महत्व दिया गया। According to the legend, see the story behind this Indra Swajra, okay? According to legend, thousands of years ago, a demon had stolen all the water in the world. Innocent peoples were suffering and dying without water. This demon could not be defeated by any ordinary weapon made of ordinary material like wood, metal, etc. Sometimes extraordinary was required. Something extraordinary was required means according to the legend, in this story के मुताबिक क्या कहानी है। thousands of years ago a demon had stolen, एक राक्षस, demon means a rakshas, had stolen all the water in the world, पानी जितने विश्व में जितने पानी थे वो सारे इस राक्षस ने छीन लिए थे। innocent people were suffering and dying without water, जो हम लोग थे बेकसूर लोग जो थे they were dying because they had no water to drink. This demon could not be defeated by any ordinary weapon. And this demon, जो राक्षस है ये कोई ऑर्डिनरी वेपन से मारा जाने वाला राक्षस था ही नहीं, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ की ज़रूरत थी। ओके, मे एनी ऑर्डिनरी वेपन ऑफ ऑर्डिनरी मेटेरियल लाइक वुड एंड मेटल, यानी ऐसे कोई धातु से या ऐसे कोई वेपन से वो मर नहीं सकते थे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉज रिक्वायर्ड। इट वॉज लर्न दैट द सेक दादीची एट बोन्स ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। तो ये माना जाता था एक ऋषि जो दादीची थे उनका नाम, उनका जो बोन्स था दी एट ए बोन्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, उनके जो हड्डियों का जो ये था उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ताकत भरे थे। बट हाउ कुड वन हास फॉर द बोन्स ऑफ अ लिविंग मैन। अभी जब जीते जीत किसी इंसान का हम क्या हड्डियाँ वगैरह नहीं मांग सकते थे, वो जीता जागते एक संत ऋषि थे, तो उनका जो हड्डियाँ थे वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के हैं ऐसा माना जाता था। शेख दादी जी वॉज ए नोबल पर्सन, ना ही वॉज ए गुड पर्सन, ही हिमसेल्फ ले डाउन हिज लाइफ एंड गेव हिज ओन बोन्स टू हेल्प द पीपल। इंद्रा वज्र, इंद्रस वेपन ऑफ थंडर बोल्ट वॉज फैशन फ्रॉम दिस बोन्स एंड द डेमन वॉज डिफिटेड। वेन शेख दादी जी केम टू नो दैट लोग सिर्फ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर से या ऐसे इससे बोन से वेपन से मारे जा सकते हैं करके जब उनको पता चला, और उनको जब पता है कि उनका बोन में ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत है, तो उन्होंने अपनी जान नेचर कर दी, किल हिमसेल्फ, लोगों की हित के लिए उन्होंने अपने आप को अपना जान की बलिदान दे दी, और उन्होंने अपनी हड्डियों को उन्होंने लोगों को मदद करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था। तो उनकी हड्डियों से एक इंद्रस वेपन बनाया गया था, वॉज फैशन फ्रॉम दिस बोन्स एंड डेमन वॉज डिफिटेड। एक वेपन बनाया गया उनकी हड्डियों से, और उस वेपन से उस डेमन को मारा गया था।
Just as the Indra's Vajra derived power from the Sikh Dadichi's bone, the Indian military derives its strength and power from the sacrifice of the bravest of the brave, the Paramveer Chakra holder. मतलब जिस तरह इंद्र का वज्र आया एक ऋषि दादी जी के बोन से बनाए हुए वेपन से, वैसे ही क्या है, इंडियन मिलिट्री डिजर्व्स इट्स स्ट्रेंथ, इंडियन के मिलिट्री के लोग जो है, सैनिक लोग, उनको पावर मिलता है, ताकत मिलती है फ्रॉम द पावर ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द फ्रेस. ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे सैनिकों से उनको प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया. तो ऐसे लोगों को ये परमवीर चक्र से उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, उनको ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है. ओके, टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर. इन द रिमेनिंग लेक्चर आई विल बी कंटिन्यूइंग द अदर पार्ट ऑफ द लेसन. हियर यू कैन सी द 21 ब्रेवेस्ट पर्सन, द पर्सन हु गॉट द सोल्जर्स हु गॉट द परमवीर चक्र, उनका नाम वगैरह यहाँ पर मैंशन किया गया है. फी ऑफ दम कुछ लोगों का उसमें थोड़ी बार उनके बारे में हमें बताया भी गया है. ओके, दैट विल कम टू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय, सी यू इन एंड कीप हेल्दी.